So, sabse pehle to, aap sab liko ko, sasri akal, good morning, you all. Jahan tak mera sawal hai, mera naam C.B. Pandey hai. Main Lallemand Animal Nutrition Company, France ki jo company hai, usko represent karta hoon India mein. Aur aaj jo hai, ek bahut hi khushi ka din hai, लालेमंड के लिए कि आज 1 अप्रैल 2016 एंड ऑनवर्ड से लालेमंड और पीडीएस जो कि यहां का प्रोग्रेसिव डेयरी सॉल्यूशन उनके साथ टाई अप हुआ है जिसके लिए कि अब आपको जो ये लालेमंड के जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली आसानी के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे तो इसके बारे में बात करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको लालेमंड एनिमल न्यूट्रिशन ये जो कंपनी है इसके बारे में बताना चाहूंगा सो जहां तक लालेमंड एनिमल न्यूट्रिशन है जिनका कि मकसद या मोटो है That is all for East and East for all. Lallemand Animal Nutrition संसार की एक बहुत बड़ी East बनाने वाली कंपनियों में से एक है और Lallemand Animal Nutrition जो कि उनका एक business है business branch है जैसे मैंने बताया कि तो जहां तक लालेमंड एनिमल न्यूट्रिशन का सवाल है जैसे मैं बता रहा था कि लालेमंड एनिमल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द बिजनेसेस ऑफ लालेमंड इनकॉर्पोरेशन मतलब जो पेरेंट कंपनी है वो है लालेमंड इनकॉर्पोरेशन और जिसका कि हेडक्वार्टर है कनाडा मॉन्ट्रियल में और लालेमंड इनकॉर्पोरेशन संसार के सबसे ज्यादा ईस्ट पैदा करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है इसके अलावा लालेमंड इनकॉर्पोरेशन बैक्टीरिया भी पैदा करते हैं और बैक्टीरिया और ईस्ट के जो डेरिवेटिव्स है मतलब उनसे जो चीजें बनती है उसके बारे में भी और प्रोडक्ट्स बनाते हैं फिर ये जो ईस्ट बैक्टीरिया और डेरिवेटिव्स होते हैं ये डिफरेंट बिजनेस में मार्केट करते हैं जैसे कि बेकिंग के लिए आप हम सभी जानते हैं कि बेकिंग या ब्रेड बनाने के लिए जो खमीर या ईस्ट की जरूरत होती है वो ईस्ट भी लालेमंड बनाती है और लालेमंड वर्ल्ड के या संसार के तीन टॉप बेकिंग ईस्ट प्रोड्यूसर में से एक है उसके अलावा लालेमंड जो है ब्रीविंग ईस्ट ब्रीविंग मींस बियर बनाने के लिए जो ईस्ट लगता है उसके लिए भी प्रोडक्ट बनाते हैं या ईस्ट बनाते हैं और आज बताते हुए काफी खुशी होती है कि संसार के जो टॉप ब्रांड्स हैं वो लालेमंड का ईस्ट इस्तेमाल करते हैं बियर बनाने के लिए फिर वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट पैदा करते हैं जिसको कहते हैं वाइनरी ईस्ट और बताते हुए बहुत खुशी होती है कि संसार का जो बेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो कि हम जानते हैं फ्रेंच वाइन है फ्रांस का वाइन संसार का बेस्ट वाइन कंसीडर किया जाता है फ्रांस में 80% से भी ज्यादा वाइनरीज जो है लालेमंड का ईस्ट इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पता चलता है कि लालेमंड सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं बनाता है ईस्ट का बट क्वालिटी बनाता है उसके अलावा फिर एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी जो ईस्ट इस्तेमाल होता है उसमें भी लालेमंड कॉन्ट्रीब्यूट करता है जैसे आप जानते हैं जो विकसित देश है वेस्टर्न कंट्रीज है जैसे अमेरिका हो गया ब्राजील या अर्जेंटीना हो गया या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है यहां पर जो ग्रेन्स है चाहे वो मक्का है चाहे फिर वो गेहूं है वो काफी तादाद में पैदा होता है जो कि उनकी जरूरत से ज्यादा है उसको फिर वो कन्वर्ट करते हैं एथेनॉल में जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं सो ये जो ग्रेन्स है चाहे फिर वो गेहूं है
या मक्का है, उसका जो स्टार्च है उसको कन्वर्ट करना है एथेनॉल में, तो उसके लिए भी जो है फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, जिसके लिए कि ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस बिजनेस पे भी लालेमेंट सप्लाई करता है। उसके अलावा सोनरीज, बायोन्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर फील्ड, ह्यूमन न्यूट्रिशन इन हेल्थ। आज अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान की जो टॉप मोस्ट कंपनीज है, जैसे रैनबैक्सी हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लैब हो गया, एरिस्टो हो गया, ल्यूपिन हो गया, सिप्ला हो गया, ये जो भी ह्यूमन प्रोबायोटिक्स बनाते हैं उसमें जो ईस्ट और उसमें जो बैक्टीरिया लगते हैं वो लालेमेंट इनकॉर्पोरेशन कनाडा से ही इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ लालेमेंट इनकॉर्पोरेशन जो है एनिमल न्यूट्रिशन और हेल्थ में भी जो है ये भी इसमें भी जो है ईस्ट और बैक्टीरिया करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं लालेमन एनिमल न्यूट्रिशन लैंड, जिसका कि हेडक्वार्टर जो है वो है फ्रांस में, तुलूस में वहां पर हेडक्वार्टर है, जहां पर कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं गाय भैंस रुमिनेंट्स के लिए, इसी तरह से मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स जिसको हम पिग्स या पोल्ट्री कहते हैं उनके लिए भी, कंपेनियन एनिमल्स लाइक हॉर्सेस घोड़ों के लिए और पेट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उसके साथ ही साथ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे प्रॉन्स हो गया या फिश हो गया, उसके लिए भी यहां पर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और फिर ये प्रोडक्ट्स जो है 100 से भी ज्यादा देशों में जो है इसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वेल जहां तक जैसे मैंने भी आपको बताया और आपने देखा होगा कि जो कोर कॉम्पिटेंसी है लालेमेंट की वो है रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग, ये इनका कोर कॉम्पिटेंसी है, मीन्स मुख्य खासियत है, और इस खासियत को ये फॉलो करते हैं। और यही कारण है कि संसार के जो सबसे बड़ी कंपनीज जो ईस्ट प्रोडक्शन कंपनीज है उसमें से एक कंपनी है लालेमेंट इनकॉर्पोरेशन। हम इसको थोड़ा सा क्विकली देखेंगे, ये तो माइलस्टोन्स है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। यस, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि लालेमेंट सिर्फ क्वांटिटी ही ईस्ट की नहीं बनाता है, मीन्स तादाद में ही ईस्ट बनाता नहीं, बल्कि साथ ही साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता है। और यही एक कारण है आज जो है लालेमेंट का जो ब्रीविंग ईस्ट है वो व्हाइट हाउस, जिसके बारे में अभी आप बहुत ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेस चल रहा है वहां पर प्रेसिडेंट बनने के लिए, यूएस में जो इलेक्शंस चल रहे हैं, इसके कारण जो व्हाइट हाउस है आजकल बहुत चर्चा में है। यहां पर जो वीआईपीज विजिट करते हैं व्हाइट हाउस में, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल रेसिडेंस है, यहां पर जो वीआईपीज विजिट करते हैं उनको जो वेलकम ड्रिंक दिया जाता है वो होता है जनरली द बियर। जैसे हिंदुस्तान में हम हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, इसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज में आप सभी जानते हैं मोस्टली जो कॉमन ड्रिंक होता है वो होता है बियर। नेचुरली ये जो बियर वीआईपीज को प्रोवाइड किया जाता है, इट इज स्पेशली ब्रूड बियर एट द व्हाइट हाउस ओनली बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन के कारण वो बाहर से बियर नहीं लेते हैं, वो खुद वहां पर बियर बनाते हैं, और वो जो स्पेशलाइज बियर है जो व्हाइट हाउस में ब्रूड हुई है वो वीआईपीज को सर्व करते हैं। और उस बियर को बनाने के लिए जो है आप देख सकते हैं कि लालेमेंट का ईस्ट इस्तेमाल होता है। ये देखिए, दिस इज द बियर विद द सील ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके लिए जो ईस्ट इस्तेमाल करते हैं वो जो है लालेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कहने का मतलब ये है कि लालेमेंट जो है एक क्वालिटी ईस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है वर्ल्ड में। जहां तक लालेमेंट एनिमल न्यूट्रिशन, जो बिजनेस जानवरों के ईस्ट बनाने में बिजी है, उनका जो मिशन है वो मिशन इज एनिमल साना मिन नेचुरा साना। ऑफ कोर्स ये फ्रेंच स्टेटमेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर मैंने जैसे बताया फ्रेंच में, लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग है हेल्दी एनिमल्स इन हेल्दी एनवायरमेंट। क्योंकि लालेमेंट जो है टोटली प्रोबायोटिक्स ईस्ट और बैक्टीरिया से जो डेरिवेटिव्स है वो बनाने में बिजी है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है और जिसकी आज जरूरत है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि लालेमेंट इन एनिमल न्यूट्रिशन ये एक कंपनी जो है थॉरोली रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है, और आप यहां पर देख सकते हैं कि वी हैव गॉट थॉरो साइंटिफिक कोलैबोरेशन विथ वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, चाहे फिर वो कनाडा है, यूएसए है, चाइल, अर्जेंटीना, स्पेन, इटाली एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी कंट्रीज के साथ, यहां के यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका जो है कोलैबोरेशन है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, और इन कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज के साथ फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और अप्लाइड रिसर्च करते हैं। और यही कारण है कि जितने भी प्रोडक्ट्स है
वो सभी प्रोडक्ट्स दे ऑल आर अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन, दे ऑल आल्सो अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए एंड दे आर आल्सो अप्रूव्ड बाय कैनेडियन फीड इंस्पेक्शन एजेंसी. और जैसे आप जानते हैं ये जो एजेंसीज है ये एनिमल फीड की अल्टीमेट अथॉरिटीज है, इनके बिना अप्रूवल के आप ये जो फीड एडिटिव्स है नहीं यूएसए नहीं द यूरोप में नहीं उन कंट्रीज में जो ये रेगुलेशंस फॉलो करते हैं. कुछ कंट्रीज के अपने रेगुलेशंस नहीं है इसलिए वो यूएस एफडीए फॉलो करते हैं या यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हैं. तो इन कंट्रीज में अगर आपको मार्केट करना है प्रोडक्ट तो आपको इनसे अप्रूवल होना बहुत जरूरी है. सो लालेमेंट के जितने प्रोडक्ट्स है दे ऑल आर अप्रूव्ड बाय दिस ऑल द एजेंसीज. जैसे मैं बता रहा था कि लालेमेंट इनकॉर्पोरेशन इनका जो हेडक्वार्टर है इट्स देयर इन ये जैसे मैं बताया कि कनाडा में है और इसीलिए आप देखेंगे कि इनके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो प्लांट्स है या इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च लैब्स है मोस्टली कॉन्ग्रीगेटेड है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में या तो नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में. आप देख सकते हैं कि वी हैव गॉट 22 प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पीस विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज द सीनियर मोस्ट प्लांट एट मॉन्ट्रियल कनाडा जो कि लास्ट ईयर इन सेप्टेम्बर किया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते अराउंड 22,000 टन इस पर डे आता है. तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कितना कैपेसिटी. मैंने ये सब बताया वी हैव गॉट बैक्टीरियल प्लांट्स आल्सो जहां पर कि बैक्टीरिया बनाते हैं और दीज आर द रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. प्रेजेंस वाइज जैसे मैंने बताया कि लालेमेंट जो है 100 से भी ज्यादा देशों को प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. सो इंडिया में जो प्रोडक्ट आते हैं रुमेंट्स के जो प्रोडक्ट आते हैं वो फ्रांस से आते हैं इंडिया में और इंडिया में मार्केट करते हैं पीडीएस के मार्केटिंग टीम. ठीक है, जहां तक प्रोडक्ट्स का सवाल है दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय लालेमेंट एनिमल न्यूट्रिशन. जहां तक रुमिनेंट्स का सवाल है लेवोसेलेसी जो कि ईस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है ह्यूमन स्पेसिफिक ईस्ट जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. देन उसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स है लाल सिल लालेमेंट का जो प्रोडक्ट है ये जो स्पेसिफिकली साइलेज इनोकुलेंट है साइलेज जो अभी प्रीवियस स्पीकर ने जो हमको बताया कि इंपॉर्टेंस साइलेज का क्या है. सो साइलेज बेहतर से बेहतर या जिसको हम चारे का अचार कहते हैं वो बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है जिसमें कि कम से कम फंगल ग्रोथ हो कम से कम टॉक्सिन डेवलपमेंट हो कम से कम उसमें जो है ड्राई मैटर लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट हो. तो उसको बेहतर कैसे बनाया जाए तो उसके लिए जो एक प्रोडक्ट है लाल सील. उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स है जैसे अल्कोसेल ऑर्गेनिक सेलिनियम एग्रीमॉस जो है मैनेनो ऑलिगोसैकेराइड देन उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स बाकी सब प्रोडक्ट्स है. और जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा आगे हम ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग इंडिया में चालू करेंगे. सो दिस इज ये शॉर्ट में जो है मैंने भी आपको बताया दिस इज अबाउट द लालेमेंट एनिमल न्यूट्रिशन. अब हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और जैसे मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट है वो ईस्ट बेस्ड प्रोडक्ट है और उसका जो नाम है दैट इज लेवसेल एससी. नाम से ही पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में जो है ईस्ट है क्योंकि फ्रेंच में लेव मीन्स ईस्ट. जैसे हम हिंदी में ईस्ट को खमीर कहते हैं इसी तरह से जो फ्रेंच पर्सन है या फ्रेंच लैंग्वेज में जो है वो ईस्ट को खमी ईस्ट को जो है लेव कहते हैं और नेचुरली इसके अंदर जो सेल्स है ईस्ट के इसलिए इसका नाम पड़ा लेव सेल. सवाल आता है एससी क्या है. एससी क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि ईस्ट में बहुत सारे स्पीसीज है और वो डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया ब्रीविंग के लिए बेकिंग के लिए वाइन प्रोडक्शन के लिए एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एक ही ईस्ट हम सभी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जो एनिमल्स के लिए जो स्पीसीज डेजिग्नेट की गई है वो है एससी दैट इज सेक्रोमाइसिस सर्विसिए. सेक्रोमाइसिस जीनस है और सर्विसिए उसका स्पीसीज है. फिर हम जब आगे बढ़ते हैं सिर्फ सेक्रोमाइसिस सर्विसिए स्पीसीज से भी काम नहीं चलता है क्योंकि इस स्पीसीज में बहुत सारे स्ट्रेन्स है और हर एक स्ट्रेन का जो है अलग अलग इंपैक्ट है ह्यूमन इकोसिस्टम को मैनेज करने में वो हम आगे दिखाएंगे और साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है. तो ये जो स्पीसीज है इसमें कम से कम
1000 स्ट्रेन्स है. मतलब हम अगर कहेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, तो हम कहेंगे ईस्ट, मैं ईस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया समथिंग लाइक मेरे पास कार है. लेकिन सिर्फ कार है कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कार में बहुत सारी कंपनीज हैं. हमारे इंडियन लीडिंग कंपनी मारुति से लेके तो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तक है. फिर अगर हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और हम अगर कहते हैं भाई ठीक है मेरे पास कार है और कार में मारुति है, फिर भी मारुति से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मारुति में बहुत सारे वेरिएंट्स है जो आउटडेटेड वेरिएंट हो चुका है. मारुति 800 से लेके तो लेटेस्ट लॉन्च कार जो है सियाज तक उनके वेरिएंट्स है. तो सिंपली कार कहने से नहीं काम चलेगा, कौन सा कार है हमारे पास, मींस वेरिएंट कौन सा है. अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सियाज है, सिर्फ सियाज कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सियाज में दो वेरिएंट्स है, डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल वेरिएंट है. सो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम ये लास्ट स्टेज तक नहीं आते हैं कि हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट है या डीजल वेरिएंट है, और डीजल वेरिएंट में भी फिर अगर हम देखें तो हम देखते हैं उसमें भी तीन सब वेरिएंट्स है, दैट इज डीएलई और डीजेड और समथिंग लाइक दैट. सो तब तक जब तक हम यहां तक नहीं पहुंचते, तब तक हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है. इसी तरह से सिंपली ईस्ट कहने से काम नहीं चलेगा, कौन सा स्पीसीज कौन सा स्ट्रेन, क्योंकि हर एक स्ट्रेन का अलग अलग इंपैक्ट है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा. सो ये जो स्ट्रेन है इसके अंदर वो है 1077, विच इज एक्सक्लूसिवली रूमन स्पेसिफिक ईस्ट. अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से हमारा जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में मदद करता है. तो लेवसल एससी, जैसे मैं बता रहा था कि ये जो है ये लाइव ईस्ट प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो ईस्ट है ये लाइव ईस्ट है, लाइव ईस्ट है, और लाइव ईस्ट होना जरूरी है टू मेंटेन द ह्यूमन इकोसिस्टम. कैसे जरूरी है हम आगे देखेंगे. और जो इसके अंदर जो स्पीसीज है, जैसे मैंने बताया सेक्रोमाइसिस सर्वीसी एज ए स्पीसीज, और इट्स ए वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है. हर एक ग्राम इसके प्रोडक्ट में जो है 20 बिलियन सीएफयू है. 20 बिलियन सीएफयू मतलब 2000 करोड़. अगर हम देखेंगे इंडिया के पॉपुलेशन अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया में जितना पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन का 18 गुना ज्यादा सिर्फ एक ग्राम में है. दैट इज 20 बिलियन सीएफयू है, 2000 करोड़ एक ग्राम में कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स है. ठीक है, मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर जो स्ट्रेन है ये जो है इट इज वेरी स्पेसिफिक टू द रूमन, क्योंकि हमको रूमिनेंट्स के बारे में बात करना है तो ये रूमन स्पेसिफिक स्ट्रेन होना है. और वो जो स्ट्रेन चूज किया गया दैट इज 1077, विच इज पेटेंटेड स्ट्रेन. ये जो है पेटेंटेड स्ट्रेन है, और इसका जो है डीएनए मटेरियल लालेमंड के पास है, और ये जो स्ट्रेन है ये लालेमंड का स्ट्रेन है. और जैसे मैंने बताया कि इसकी एफिकेसी ट्रेसेबिलिटी सेफ्टी इज वेल वैलिडेटेड बाय यूरोपियन यूनियन, यूएस एफडीए एंड कैनेडियन फीड इंस्पेक्शन एजेंसी. सो दिस इज व्हाट इज द इन शॉर्ट लेवसल एससी में क्या है. अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे है. ये ह्यूमन स्पेसिफिक ईस्ट है और ह्यूमन इकोसिस्टम को ये मेंटेन करता है. तो ये किस तरह से काम करता है अब हम देखेंगे. जो लेवसल एससी है ये जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करके, ह्यूमन के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको कम से कम रखते हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के अंदर जो जीवाणु है उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिसके कारण कि हमको दो फायदे होते हैं. पहला फायदा जो होता है जो बछड़ों में जो है काफ डेवलपमेंट फास्ट होता है, काफ का जो रूमन डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है, क्योंकि जितना फास्ट रूमन डेवलपमेंट होता है काफ का उतना जल्दी काफ जो है हमको दूध देने के लायक होता है और उसका बेहतर फीड एफिशिएंसी आता है. ठीक है, उसके अलावा ये जो है पीएच मेंटेन करता है, रूमन लिकर का पीएच, जो कि बहुत जरूरी है. जैसे हम सभी जानते हैं और अभी जस्ट प्रीवियस स्पीकर ने भी हमको बताया कि जो रूमन लिकर का जो पीएच है, रूमन के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसका पीएच अमूमन ऑन एन एवरेज 6 और 7 के बीच में होना चाहिए. ये अगर 6 से कम हो जाता है तो हम इसको कहते हैं रूमन एसिडोसिस, जिसमें कि हमको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फैट परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है, उसके अलावा जो है मिल्क प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है और काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं.
ये अगर 7 से ज्यादा जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है, जिसको हम कहते हैं रूमेन एल्कोलोसिस। ऑफकोर्स रूमेन एल्कोलोसिस बहुत बहुत रेयरली होता है अंटिल अनलेस जानवर को इंटेंशनली या जानवर इंटेंशनली हाई प्रोटीन डाइट खा जाता है तो ही। तो मोस्टली जो है रूमेन एल्कोलोसिस जो है जानवर में बहुत कॉमन होता है, और स्पेशली इन दिनों में समर के दिनों में ये बहुत ज्यादा कॉमन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, ये जो रूमेन का जो पीएच है, रूमेन लिकर का पीएच जो है बिल्कुल 6 और 7 के बीच में बरकरार रखता है। कैसे? बाय कंट्रोलिंग द लैक्टेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो रूमेन के अंदर जो है स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, उनकी संख्या को ये कम से कम करता है, जिसके कारण कि कम से कम लैक्टेट बनता है और कम से कम लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण कि रूमेन लिकर पीएच 6 से 7 के बीच में मेंटेन करने में मदद करता है। सो ये रूमेन लिकर पीएच को मेंटेन करता है। उसके अलावा जो है ये फाइबर डिग्रेडेशन में मदद करता है। फाइबर डिग्रेडेशन में किस तरह से मदद करता है, ये जैसे आप जानते हैं फाइबर जो होता है ये 3 तरह की चीजों का बना होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। तो जानवर का जो पेट होता है उसमें सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज को पचाने के लिए तो काफी सारे माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जिसको हम सेल्यूलाइटिक एंड हेमीसेल्यूलाइटिक माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। लेकिन जो तीसरा पदार्थ होता है जिससे कि क्रूड फाइबर बना होता है, जिसको हम कहते हैं लिग्निन, लिग्निन को पचाने के लिए जानवर के पास जो स्पेशलाइज माइक्रोफ्लोरा लगता है वो बहुत कम होता है। उसके कारण क्या होता है, लिग्निन का डिग्रेडेशन बहुत पुअर होता है। लेकिन लिग्निन का डिग्रेडेशन बहुत जरूरी है, लिग्निन का पचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज का हमेशा लिग्निन के साथ बॉन्ड होता है। जब तक ये बॉन्ड टूटता नहीं है तब तक सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज जो कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जानवर के लिए, वो जानवर को अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारा चारा बहुत अच्छा है, हमारा साइलेज बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि ये जो लिग्निन है ये प्रॉपरली डिग्रेड नहीं हो रहा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, लिग्निन को पचाने वाले जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी संख्या को बढ़ाता है, जिसके कारण कि जानवर का चारा पचाने की क्षमता बढ़ता है। मतलब उसी चारे के साथ या उसी दाने के साथ आप बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं जानवर का, राइट? सो उसके कारण आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिबिलिटी है, फाइबर डाइजेस्टिबिलिटी बेहतरीन होती है जानवर की। तो इस तरह से ये जो है ये रूमन डेवलपमेंट काप्स में बढ़ा के मदद करता है। देन रूमन पीएच स्टेबलाइज करके इकोसिस्टम, रूमन इकोसिस्टम को मेंटेन करता है और फाइबर डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाता है, जिसके कारण कि हमारी फीड एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट काम करता है। अब हम देखेंगे इसका जो है साइंटिफिक इवैल्यूएशन। जैसे हमने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है या नहीं, इसके लिए हम देखेंगे। जैसे हमने देखा और हम जानते हैं कि जो रूमन का जो न्यूट्रिशन होता है, रूमिनेंट का जो न्यूट्रिशन होता है, ये काफी हद तक रूमन इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है, रूमन का जो वातावरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब रूमन का जो वातावरण होता है या रूमन का जो इकोसिस्टम है, इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि ये जो है माइक्रोफ्लोरा जीवाणुओं के द्वारा गवर्न होता है, और इस जनरली जो रूमन का जो लिक्विड होता है, रूमिनल लिकर है, उसमें 3 तरह के जीवाणु होते हैं, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगाय, और इनकी संख्या भी इसी तरह से होती है। सबसे ज्यादा संख्या होती है बैक्टीरिया की, फिर प्रोटोजोआ और तीसरे फंगाय, जिसको हम कहते हैं फफून। ये जो माइक्रोफ्लोरा है, ये माइक्रोफ्लोरा जो है जानवर के पाचन में बहुत हद तक मददगार है। मतलब हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम में या मुर्गियों में जो डाइजेशन होता है वो होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन, या जिसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। 80 से 90% डाइजेशन हम में मुर्गियों में जो है जो केमिकल डाइजेशन होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। उसके उल्टा जानवरों में 80 से 90% जो डाइजेशन होता है वो होता है जीवाणुओं के द्वारा, इसलिए उनका जो डाइजेशन कहलाता है वो कहलाता है माइक्रोबियल डाइजेशन। मतलब दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जानवर का अगर हमको डाइजेशन या हाजमा अच्छा रखना है तो हमको ये माइक्रोफ्लोरा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इनकी संख्या और इनकी एक्टिविटी, कार्यक्षमता जितनी बेहतर होगी उतना बेहतर हमको जानवर का उसी चारे के साथ परफॉर्मेंस मिलेगा। अब हम देखेंगे कि
कि ये जो माइक्रोफ्लोरा है या ये जीवाणुओं की संख्या और गतिविधि को कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनको नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, मतलब इनकी संख्या को और कार्य क्षमता को कम करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहला तो रूमन लिकर पीएच, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो रूमन लिकर पीएच है नॉर्मली 6 और 7 के बीच में होना जरूरी है, लेकिन अगर ये 6 से कम हो जाता है तो रूमन एसिडोसिस हो जाता है, रूमिनल एसिडोसिस हो जाता है, और 7 से ज्यादा होता है तो अल्कलोसिस होता है। तो ये जो पीएच है ये हमेशा 6 और 7 के बीच में होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि इन जीवाणुओं की संख्या को कम करता है या उनकी एक्टिविटी को कम करता है वो है रूमिनल लिकर पीएच। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनकी संख्या और गतिविधि को कम करता है वो है ऑक्सीजन की मात्रा रूमन में, क्योंकि ये जो माइक्रोफ्लोरा है ये हम आपसे डिफरेंट है, हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये माइक्रोफ्लोरा में इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनको ऑक्सीजन जितनी कम होगी उतना बेहतर इनका प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लिकेशन होगा या उतने बेहतर इनकी एक्टिविटी। इनको कहते हैं एनेरोबिक ऑर्गेनिजम्स, हम आप जो है वो है एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये माइक्रोफ्लोरा जो है ये एनेरोबिक है, इनको कम से कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जितना कम से कम ऑक्सीजन होगा रूमन में उतनी इनकी गतिविधि और उतनी इनकी जो संख्या है ज्यादा से ज्यादा रहेगी। अब सवाल आता है कि ऑक्सीजन कहां से आता है रूमन में या पेट में। यह ऑक्सीजन जो आता है जब भी जानवर पानी पीता है या जब भी जानवर चारा खाता है या दाना खाता है उसके थ्रू यह ऑक्सीजन अंदर आता है। अब यह ऑक्सीजन की संख्या जितनी कम होगी रूमन में उतनी इन माइक्रोफ्लोरा की संख्या ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब रूमन इकोसिस्टम को मेंटेन करने की ये दो चीजें ऑप्टिमम होना जरूरी है, रूमन लिकर पीएच 6 से 7 के बीच में होना चाहिए और ये जो रूमिनल एनवायरमेंट है ये एनेरोबिक होना चाहिए, कम से कम इसके अंदर ऑक्सीजन होना है। तो ये जो प्रोडक्ट है लेवोसिलसी इन दोनों चीजों में मदद करता है, ये जो है पीएच को भी मेंटेन करने में मदद करता है और एनेरोबियोसिस भी मेंटेन करने में मदद करता है, हम क्विकली देखेंगे। और अभी हमने देखा कि इस प्रोडक्ट में क्या है और जैसे मैंने बताया कि इस प्रोडक्ट में जो है सैक्रोमाइसिस सर्विस ही है और स्ट्रेन है 1077 है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने बताया कि इस स्पीसीज में 1000 से भी ज्यादा स्ट्रेन है, एक अकेले स्पीसीज में 1000 से भी ज्यादा स्ट्रेन है और हर एक स्ट्रेन का अलग अलग इंपैक्ट है चारा पचाने में और पीएच मेंटेन करने में, सेम नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, ये जो है साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अलग अलग स्ट्रेन का अलग अलग इंपैक्ट है। अब हम देखेंगे जो मैं कह रहा था कि अलग अलग स्ट्रेन का अलग अलग इंपैक्ट है। देखिए ये जो है ये सभी जो है स्ट्रेन्स है, आप अगर देखेंगे जो वर्टिकल एक्सेस है यहां पर देखेंगे ये सभी स्ट्रेन्स है, स्पीसीज सेम है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, लेकिन ये जो है पोटेंशियल स्ट्रेन है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर कि चारा पचाने में हर एक स्ट्रेन का अलग अलग इफेक्ट है, इसलिए देखेंगे कि ये जो डंडे है या ये जो बार है यहां पर आप देख रहे हैं इनकी जो हाइट है ये कम ज्यादा है। अगर सभी स्ट्रेन का इफेक्ट सेम होता तो ये सब जितने भी डंडे हैं या तो इस लाइन में होने चाहिए थे या यहां पर होने चाहिए थे, लेकिन हर एक जो है उसकी हाइट कम ज्यादा है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि हर एक स्ट्रेन का चारा पचाने में अलग अलग इंपैक्ट है। और यही मैं आपको पहले कह रहा था कि सिर्फ सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहने से काम नहीं चलेगा, कौन सा स्ट्रेन। देन इसी तरह से हम देखेंगे कि पीएच रेगुलेशन में, लैक्टेट यूटिलाइजेशन में, देखिए लैक्टेट यूटिलाइजेशन में भी अगर आप देखेंगे हर एक स्ट्रेन का जो है अलग अलग इंपैक्ट है, किसी स्ट्रेन का बहुत कम इंपैक्ट है पीएच रेगुलेशन में, किसी का ठीक ठाक है, किसी का अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है। तो इससे फिर से सिद्ध होता है कि ये जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी है इसमें कौन सा स्ट्रेन है उसका इंपैक्ट अलग अलग होता है। और यही चीजें जो है अभी यही चीज अगर हम देखेंगे ये साइंटिफिकली एनिमल्स में भी प्रूव हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहां पर, अब देखिए यहां पर ये जो है एनिमल्स में ट्रायल है और अगर आप देखेंगे यहां पर 3 ग्रुप्स है। पहले ग्रुप में अगर आप देखेंगे इसमें तो कोई ईस दिया नहीं गया है, दूसरे ग्रुप में आप देखेंगे
ये जो है 1077 लेउसेलेसी ये दिया गया है, और तीसरे ग्रुप में जो है एक और स्ट्रेन है दैट इज 1026। देखिए सेक्रोमाइस सर्विस ये है, स्ट्रेन डिफरेंट है 1026। अब ये देखा गया है कि ईस्ट डालने 12 लीटर हो गया और यहां पर करीब करीब 13 लीटर के आसपास हो गया, तो इससे क्लियरली सिद्ध होता है कि ईस्ट डालने से दूध बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि स्ट्रेन का जो इंपैक्ट है, आप अगर देखेंगे 1077 से जो दूध बढ़ा है वो डिफरेंस है करीब करीब 1 लीटर 10 ml के आसपास है, यहां पर भी दूध बढ़ा है लेकिन दूध जो है करीब करीब 640 मतलब करीब करीब 500 ml का डिफरेंस है अगर आप देखेंगे स्ट्रेन वाइज। सो इससे क्लियरली सिद्ध होता है कि अलग अलग स्ट्रेन का अलग अलग इंपैक्ट है। स्पीसीज सेम है, अगर आप देखेंगे स्पीसीज यहां पर भी सैक्रोमाइसिस सर्विस है, यहां पर भी सैक्रोमाइसिस सर्विस है, लेकिन देखिए इंपैक्ट जो है डिफरेंट है। दिस इज वन ऑफ द पीएचडी रिसर्च वर्क कैरिड आउट। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अनदर स्ट्रेन SC47। यहां पर भी देखिए अगर आप देखेंगे सैक्रोमाइसिस सर्विस स्पीसीज सेम है लेकिन स्ट्रेन डिफरेंट है 47, और यहां पर जो है 1077 है। फिर से अगर आप देखेंगे जो मिल्क प्रोडक्शन है, अगर आप देखेंगे देखिए मिल्क प्रोडक्शन तो दोनों में बढ़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट, 41 करीब करीब 41.5 लीटर हुआ, यहां करीब करीब 43 लीटर हुआ है, दोनों में दूध बढ़ा है कोई शक नहीं है। लेकिन जो दूध जो बढ़ा है आप देखेंगे 1077 में जो दूध बढ़ा है वो सिग्निफिकेंटली हायर है देन SC47। सो इससे क्लियरली सिद्ध होता है कि सिंपली सैक्रोमाइसिस सर्विस ये कहने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेन जानना जरूरी है। और यह सिद्ध हो चुका है साइंटिफिकली कि जो अलग अलग स्ट्रेन होते हैं उनके अलग अलग इंपैक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रूमन डेवलपमेंट है, रूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, रूमन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमारे यहां जो रूमन डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे एवरेज रूमन डेवलपमेंट एज या ड्यूरेशन जो है इंडिया में वर्सेस जो डेवलप कंट्रीज है, डेयरी इंडस्ट्री में जो डेवलप कंट्रीज है उसके कंपैरिजन में हमारा जो रूमन डेवलपमेंट है लगभग आधे के आसपास है। ऑफ कोर्स पंजाब में डेफिनेटली इज मच बेटर देन, बट अगर हम इंडिया का एवरेज लेते हैं तो हमारा जो रूमन डेवलपमेंट है लगभग बाकी कंट्रीज से आधा है। वहां पर रूमन डेवलपमेंट करीब 12 से 14 हफ्ते में होता है, वही रूमन डेवलपमेंट हमारे यहां ऑन एन एवरेज 25 से 26 हफ्ते लगते हैं, मतलब डबल समय लगता है। नेचुरली इसके कारण क्या होता है कि हमारा रूमन डेवलपमेंट अगर डेयरी से होता है तो हमारा जो काफ रेयरिंग है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जब तक पूरा रूमन डेवलप नहीं होगा काफ जो है चारा या पट्टे वगैरह पचा नहीं सकता, तब तक हमको उसको जो है मिल्क रिप्लेसर देना है या मिल्क देना है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है पट्टे से या चारे से। उसके साथ ही साथ जब तक रूमन डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक उसका जो मिल्क प्रोडक्शन जो है डिले होता है। तो मान लो रूमन डेवलपमेंट अगर 5 हफ्ते से भी डिले हुआ और वो एनिमल अगर 10 लीटर दूध देने वाला है तो अगर हम देखेंगे 35 × 10 करीब करीब 350 लीटर एक लैक्टेशन मतलब उस एनिमल के लाइफ में हमने लूज किया, तो काफी महंगा है रूमन डेवलपमेंट अगर डिले होता है तो। अभी जो रूमन डेवलपमेंट होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द माइक्रोफ्लोरा इन द रूमन एंड द स्ट्रेन्स। और यहां पर देखा गया है कि जब लेउसेलेसी अगर हम देते हैं तो इसके कारण क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ माइक्रोफ्लोरा भी ज्यादा से ज्यादा कम समय में ग्रो होता है और जो डिफरेंट तरह के माइक्रोफ्लोरा है वो भी फास्ट डेवलप होते हैं, जिसके कारण कि रूमन डेवलपमेंट लेउसेलेसी से फास्ट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे मैंने बताया कि लेउसेलेसी जो है ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग की क्षमता रखता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि रूमन में कम से कम ऑक्सीजन होना चाहिए, तो यह जो प्रोडक्ट है कम से कम ऑक्सीजन रखने में मदद करता है जो कि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप है इसमें लेउसेलेसी दिया है और ये जो है कंट्रोल है जिसमें कि ये प्रोडक्ट नहीं ईस्ट नहीं दिया गया है, और आप देखेंगे कि यहां पर जो है रेडॉक्स पोटेंशियल है इट इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द कंट्रोल ग्रुप, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को खाने की क्षमता रखता है, जिसके कारण कि रूमन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम होती है जिसके कारण कि माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और यही हमको चाहिए। So, ये प्रोडक्ट जो है रूमन इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द रूमन एनरोबिक कंडीशन मेंटेन करने में मदद करता है। उसके अलावा ये फाइबर डिग्रेडेशन में मदद करता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे आप जानते हैं जो फाइबर जो होता है 3 चीजों का बना होता है मोस्टली, हेमिसेल्यूलोज सेल्यूलोज और लिग्निन का।
इसमें से हम देखेंगे कि जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत काफी हद तक है, हम कह सकते हैं लगभग पूरी तरह से वो जानवर उसको पचा सकता है, लगभग 80 से 90% अगर आप देखेंगे यहां पर है। लेकिन ये जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज लिग्निन, जिसकी की डाइजेस्टिबिलिटी अगर आप देखेंगे ओनली 20%। ये इसलिए क्योंकि जो रूमन के अंदर जो जीवाणु है उनमें ये जो लिग्निन को डाइजेस्ट करने वाले जीवाणु है या माइक्रोफ्लोरा है इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए जानवर जो है लिग्निन को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि भाई ये तीन चीजों में से दो चीजें तो जानवर अच्छी से डाइजेस्ट कर सकता है, तीसरी चीज को डाइजेस्ट नहीं करता, उसको मारो गोली। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होता है ये हमेशा लिग्निन के बॉन्ड से बंधा रहता है। जब तक ये लिग्निन का बॉन्ड टूटता नहीं है, जब तक कितना भी अच्छा सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज है आपके चारे में, जानवर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे मतलब अगर हम देखेंगे कि ये जो यहां पर इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर है, अगर मेरे को एल्यूमिनियम वायर या कॉपर वायर तक पहुंचना है तो जो ऊपर का इंसुलेटर है, प्लास्टिक का जो इंसुलेटर है, वो हटना जरूरी है। जब तक वो हटेगा नहीं, जब तक मैं कॉपर के वायर तक या एल्यूमिनियम वायर जो अंदर मेटेलिक वायर है वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी तरह से जो बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं, ये जो बंधन जो है जब तक टूटता नहीं लिग्निन का, जब तक ये जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है, आपका माइक्रोफ्लोरा कितना भी अच्छा क्वांटिटी में है, आपका माइक्रोफ्लोरा कितना भी एक्टिव है, फिर भी आपका माइक्रोफ्लोरा जो है ये जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका चारा बहुत अच्छा है, आपका साइलेज बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन फिर भी जानवर जो है उस आपको परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है। काफी सारा चार सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज जो है ग्रेन्स जो है वेस्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए जो मैंने बताया कि ये जो लिग्निन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो स्पेशलाइज फंगाई होता है उसको कहते हैं लिग्नोलाइटिक फंगाई, इसकी संख्या बहुत कम होती है। तो अभी साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा प्रूव हो चुका है, वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि ये जो प्रोडक्ट है लेवसेल एससी जो है ये जो लिग्नोलाइटिक फंगा है इसकी संख्या बढ़ाने में मदद करता है। इस स्टडी में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर जो देखा, यहां पर दो ग्रुप्स है, एक तो ग्रीन कलर का है बार और दूसरा है ग्रे कलर का, ठीक है, दो ग्रुप्स है, एक में तो लेवसेल एससी नहीं दिया, दूसरे में लेवसेल एससी दिया। और अगर आप देखेंगे हर घंटे में उन्होंने क्या किया, रूमन लिकर कलेक्ट किया दोनों एनिमल्स का, और उन्होंने उसमें जो है लिग्नोलाइटिक फंगाई की संख्या को चेक किया कि इस प्रोडक्ट देने से जो है इसकी संख्या बढ़ती है, घटती है या सेम रहती है। और अगर आप देखेंगे विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर अंदर आप देखेंगे जो लिग्नोलाइटिक फंगाई की संख्या जिसमें प्रोडक्ट दिया गया है काफी हद तक बढ़ी है, ऑलमोस्ट 1.5 times देन द कंट्रोल। सो नेचुरली उसके कारण क्या होगा कि अब जो है आपका वही चारा जो है, क्योंकि लिग्निन डिग्रेड हो गया, उसके कारण क्या हो गया, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पहले जो काफी हद तक वेस्ट हो रहा था अब जानवर उसको इस्तेमाल करेगा, और नेचुरली जब जानवर उसको इस्तेमाल करेगा तो यही है सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके कारण कि जानवर का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। सो इसके कारण क्या होगा, उसी दाने के आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है ये प्रोडक्ट देने से। अब हम देखेंगे जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने देखना है जो कि पीएच, पीएच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानवर के रूमन लिकर का, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है या ये जो माइक्रोफ्लोरा है या जो जीवाणु है ये पीएच को बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब संवेदनशील है। अगर पीएच कम या ज्यादा हो जाता है 6 से या 7 से तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मरने चालू हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटी घट जाती है। अब यह देखा गया है कि यह प्रोडक्ट क्या इस पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है या नहीं। इसमें आप देखेंगे दिस इज अ स्टडी कैरिड आउट एट इराटा स्पेन, यहां पर देखेंगे दो ग्रुप है जानवर के, जिस ग्रुप में जो है यह प्रोडक्ट नहीं दिया गया है वहां पर आप पीएच देखेंगे, पूरे ग्रुप में अगर आप पीएच देखेंगे करीब 5.5 के आसपास है, 5.5 के आसपास मतलब 6 से कम, 6 से कम मतलब ये जानवर जो है एसिडोसिस से सफर हो रहे हैं, और इन जानवर का पीएच कम है इसलिए इन जानवर से आपको परफॉर्मेंस जो है काफी कम हो जाता है, फैट परसेंटेज भी घट जाता है एसिडोसिस के कारण। लेकिन
वो ग्रुप जिसमें कि ये प्रोडक्ट दिया है लेवोसिलेसी, उसमें अगर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज जो पीएच है पूरे ग्रुप में, उसमें जो है यह है 6 और 7 के बीच में. सो इससे क्लियरली सिद्ध होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये रूमन लिकर का पीएच मेंटेन करने में मदद करता है, जिसके कारण कि रूमन इकोसिस्टम मेंटेन होता है, उसके कारण माइक्रोफ्लोरा ज्यादा से ज्यादा होता है और बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिलता है. अब सवाल आता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से पीएच मेंटेन करने में मदद करता है, ये जानना जरूरी है. देखिए जो पीएच में जो फ्लक्चुएशन होता है ये होता है माइक्रोफ्लोरा जो होता है रूमन के अंदर, उसमें एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, दैट इज जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, ये जो है लैक्टेट प्रोड्यूस करते रहते हैं और स्पेशली गर्मी के दिनों में इनका प्रोलिफरेशन या मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होता है, इसके कारण ज्यादा से ज्यादा एसिडिक रूमिनल एसिडोसिस के केसेस मिलते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस को जो ये जो बैक्टीरिया है इनको जो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं उस न्यूट्रिएंट्स को ये खा जाता है और उसके कारण क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया जो लैक्टेट प्रोड्यूस करते हैं उनकी संख्या को ये मेंटेन करने में मदद करता है. नेचुरली जब लैक्टेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की संख्या मेंटेन रहेगी, मेंटेन्ड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा जिसके कारण की जो पीएच है मेंटेन होने में मदद करता है. सो मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रूट कॉज जो है एसिडोसिस का उसको ये हैंडल करता है एंड दैट्स द वे इट इज हेल्पिंग. मतलब हम कह सकते हैं डे टू डे लाइफ में अगर हम बर्नर के ऊपर गैस के ऊपर अगर हमने दूध रख दिया, गैस ऑन कर दिया, दूध गर्म होगा और गर्म होने के बाद जो है बॉइल होकर ऊपर आने लगता है. अब इस दूध को हमको शांत करना है परमानेंटली तो जो है हमको गैस बर्नर अगर हम बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो दूध है शांत हो जाता है. तो रूट कॉज क्या है, रूट कॉज जो है हीट. अगर हमने हीट को हैंडल कर लिया प्रॉपरली तो दूध ऊपर नहीं आएगा चाहे जितने घंटों आप जो है दूध गैस के ऊपर रखिए. इसी तरह से यहां पर जो रूट कॉज है, यहां पर जो रूट कॉज है, रूट कॉज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस या बैक्टीरिया. तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की संख्या को जो है मेंटेन करके रखता है एंड दैट्स द वे इट हैंडल्स योर प्रॉब्लम ऑफ एसिडोसिस परमानेंटली. ऑलराइट, वेल सो दिस इज व्हाट इज एज पर एज द लेवोसिलेसी इज कंसर्न्ड. एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं. हाँ बस हो गया. ये जो और उसके अलावा जो है मॉइस्चर स्टीमिंग होता है, ये तीनों कंडीशन जो है हार्श है लाइव ईस्ट सेल्स के लिए. तो इसमें क्या है, अगर डायरेक्टली एक्सपोज करेंगे तो ये लाइव ईस्ट सेल्स मर जाएंगे और जहां लाइव ईस्ट सेल्स मर गए तो ये जो हमने बेनिफिट्स देखा एनएरोबियोसिस का या पीएच मेंटेनेंस का ये नहीं होगा. इसके लिए ईस्ट लाइव होना जरूरी है, लाइव ईस्ट होना जरूरी है रूमन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए. डेड ईस्ट है या ईस्ट कल्चर है ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे उससे आपको. तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके कारण कि अगर आप पेलेटेड फीड में भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये जिंदा रहता है. दिस इज व्हाट इज बीन कंफर्म बाय साइंटिफिक स्टडीज, यू कैन सी ओवर हियर राइट. यहां पर अगर आप देखेंगे दो ग्रुप्स है, एक तो रेड कलर का है दूसरा ग्रीन कलर का है और आप देखेंगे कि जो रेड वर्सेस ग्रीन है दोनों बार आपस में मैच कर रहे हैं. मतलब इवन अगर आप हीट एक्सपोजर भी देते हैं इस वर्शन को तो ये सस्टेन कर जाता है, विच इज बीन कंफर्म बाय साइंटिफिक स्टडीज. सो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे अभी शॉर्ट ऑफ टाइम है इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके ऊपर काफी सारा डेटा अवेलेबल है. इतना डेटा है कि आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो www.levoselsc.com अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा डेटा इसके ऊपर मिलेगा. डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, चाहे फिर वो यूरोप है, चाहे यूएस है, चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया है, सब जगह आपको मिलेगा. सो इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे ये जो प्रोडक्ट है ये तीन तरीके से काम करता है, बाय मेंटेनिंग द एनएरोबियोसिस एंड बाय मेंटेनिंग द रूमन लिकर पीएच एंड बाय इंक्रीजिंग द रूमनल माइक्रोफ्लोरा. ये जो है अल्टीमेटली जो जानवर का जो है रेजिस्टेंस ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है और मिल्क परफॉर्मेंस बढ़ाने में ये मदद करता है. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें लाइव ईस्ट है और बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लाइव ईस्ट है. जैसे मैंने बताया 1000 से 2000 करोड़
लाइव ईस्ट है 1 ग्राम में। जैसे मैंने बताया इसके अंदर जो स्पेशलाइज स्ट्रेन इस्तेमाल किया गया है वो है 1077, जिसका कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट है पीएच रेगुलेशन मेंटेन करने में और रूमन इकोसिस्टम मेंटेन करने में एज कंपेयर टू एनी अदर स्ट्रेन अवेलेबल इन द वर्ल्ड सो फार। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेन है इट इज वेल रजिस्टर्ड एट द पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी विच इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड। वहां पर रजिस्टर्ड स्ट्रेन है जो कि आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में, मतलब इसका जो ऑथेंटिसिटी, चलिए ठीक है अभी मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, देन ये एक बहुत साइंटिफिकली इवेल्युएटेड पेपर है, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया www.leucelsc.com पे अगर आप जाएंगे कम से कम 50 इंटरनेशनली पब्लिश पेपर्स मिलेंगे, मतलब बहुत साइंटिफिकली इवेल्युएटेड पेपर है ये, मतलब प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और इसीलिए जो है आज इंटरनेशनली रेप्यूटेड फीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है इसको इस्तेमाल कर रही है ये प्रोडक्ट को। उसके अलावा मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है इट इज वेल साइंटिफिकल रिसर्च बैक्ड अप प्रोडक्ट, देयरफॉर इट इज अप्रूव्ड बाय यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिकन लेजिस्लेशन दैट इज USFDA एंड कैनेडियन फीड इंस्पेक्शन एजेंसी। एंड इसके साथ ही साथ जो है इट्स ए वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट, ROI इसका जो है ROI इंडियन कंडीशन में देखा गया है इट इज 1:3, 1:3 मतलब अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम गारंटेड रिटर्न आपको 3 रुपया मिलता है, गारंटेड रिटर्न 1:3 इज द ROI। ये प्रोडक्ट जो है आपको कंटिन्यूअसली देना है, ड्राई एनिमल में भी देना है, लैक्टेटिंग एनिमल्स में भी देना है और काउज में भी देना है, सभी एनिमल में देना है, ठीक है। और इसको कंटिन्यूअसली देना है, 2-4 दिन देने से कुछ नहीं होने वाला है, इट हैज टू बी गिवन कंटिन्यूअसली, 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते देने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको इसको कंटिन्यूअसली देना है। लेकिन कंटिन्यूअस देने में कोई तकलीफ नहीं है, क्यों? क्योंकि हम 1 रुपया अगर खर्चा करते हैं और हमको 3 रुपए कम से कम गारंटेड रिटर्न मिल रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ओके। सो दैट्स व्हाट इज जस्ट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। एंड एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द प्रोडक्ट विच optimizes the benefits. You can see it optimizes milk production, optimizes resistance, optimizes the reproduction and improves the overall profit of the dairy farming. Okay. And at the last but not least, aap sab logo ki